उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्या आने वाले टाइम पे कानून में ये संशोधन करेंगे कि जितने भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी? या तो एक कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी, दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, यहां पे भी बहुत फैसले हुए, फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खास प्रतिनिधि मिलेगा, सरकार से मिलेगा, और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सर पहलवान लोग कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा, ये उसके थे तिरंगे के। जब ये वहां पर पदक लेकर आए, इनने कोई अपना बोर्ड लगा रखा था? ये नेशनल फ्लैग लेके गए थे, वहां पे तिरंगे का ही विदेश में सहारा होता है और कोई सहारा नहीं होता। हम भी करीब 24-25 देशों में गए तो हमको भी जो पहचान मिलती है वहां पे नेशनल फ्लैग होता है, इससे पहचान मिलती है कि हम इंडियन हैं, हम भारत के हैं। हम अपना झंडा लेकर जाए तो उसकी कोई पहचान नहीं है। हम भी अपना नेशनल फ्लैग लेकर जाते हैं। इन पे एलिगेशन ना लगाओ, ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे? वे हताश हैं, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में। वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनका गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे, न्याय नहीं मिलता तो हम कल अयोध्या में भी गए थे, वहां पर भी बहुत पत्रकार बंधु वहां पर भी मिले हमको। हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए, वहां पर भी मिले, सब संत महात्मा आपके साथ में है। जो राम मंदिर बन रहा उसके भी दर्शन करने गए, वहां पर भी लोग मिले, पुलिस फोर्स से लगा के और अधिकारी जितने भी संत महात्मा हैं सब अन्याय के खिलाफ हैं, आपके साथ में हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख में मीटिंग कर रहे हैं, करो, हम भी मीटिंग करें करेंगे, हमारे भी यात्राएं निकलेगी। ट्रैक्टर कोई किराए के जाने हैं क्या? मीटिंग होगी, हमने पहले भी कहा था जब हम महल में गए कि खाप खाप पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर खाप की मीटिंग करेंगे, हर समाज की मीटिंग करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि आप गंगा में क्यों प्रभावित करते हो, आप इंटरनेशनल नीलामी लगाओ इन मंडल जो मेडल हैं और पूरी दुनिया इनकी नीलामी छुटवाएगी, तो जब बड़ा सरे जाएगा क्या भारत को? ये निर्णय भी यहां पे हुआ कि राष्ट्रपति जी से, होम मिनिस्टर से, जिन जिन से मिलना होगा, एक कमेटी हमारी खाप चौधरी की बनेगी, इनके साथ में हम रहेंगे और हम पूरे देश भर में मीटिंग करने का काम करेंगे। और कल वहां पे कुरुक्षेत्र में जो और फैसले हुए उन लोगों की सबकी सलाह से अपने फैसले कल वहां से डिक्लेरेशन करेंगे, करेंगे मीटिंगे, जाएंगे हम समाज के बीच में जाएंगे, जहां जहां वो मीटिंग करेगा
क्या ये बच्चों को इनको वहां पर लेकर भी जा सकते हैं? ये घोषणा भी कर सकें कि अगर वो 5 तारीख की मीटिंग कर रहा है कि आज सारे बच्चों को लेकर इनसे लोग लेकर चलें तो उस मीटिंग में चलें और वही निर्णय ले लें जो संत महात्माओं की मीटिंग है उसी में ही निर्णय ले लें, उन्हीं पर हमने छोड़ दिया निर्णय दे दो कि आप अत्याचारियों के साथ में हैं या आप इंसाफ के साथ में हैं, क्या वो ठीक रहेगा?